हाँ खुश तो है अभी। कौन है यहाँ पे? अभी ताकेश्वर है। कार्यकाल से पूछते हैं? नहीं। कहा है कि वो कभी काम ही नहीं किया है। सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का तेजस्वी यादव होगा। विधायक जी ऐसे कटिहार के लिए राम प्रकाश महतो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी नीतीश कुमार एकदम फिट है और यही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ताकेश्वर प्रसाद जी काम किए, लेकिन वो साल में एक ही बार आते हम लोग के एरिया में। हम लोग पानी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। सबसे अच्छा बिहार के लिए रहेगा नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं आमिर। आगामी 7 नवंबर को कटिहार करेगा मतदान। इसी कड़ी में हम जनता की बात कार्यक्रम को लेकर आए हुए हैं कटिहार सदर के बाटा चौक स्थित पर। फलपट्टी है यहाँ पर, फल वगैरह बेचते हैं दुकानदार भाई लोग। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में। आइए। क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहम्मद शौकत अली। जी कौन से विधानसभा से बिलोंग करते हैं? ये कटिहार से। कटिहार सदर विधानसभा। हाँ जी। किसको देखना चाहते हैं विधायक? विधायक राम प्रकाश महतो। क्यों भाई, कि पटेल विधायक से खुश नहीं है आप? नहीं तो इनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो मौका देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। इनके कार्यकाल से खुश हैं क्या, विधायक जी के कार्यकाल से? आप उतना तो काम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। काम किए हैं मतलब? काम वही मिजाज है, राजद बदलाव का मिजाज है। चाचा का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद शमशेर। कौन से विधानसभा से बिलोंग करते हैं? कटिहार। किसको देखना चाहते हैं? महतो जी। कोई और क्यों नहीं? बस महतो जी बदला होगी ना। महतो जी एक बार इनको मौका मिलना चाहिए। स्थानीय विधायक तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनके कार्यकाल से खुश हैं क्या? ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इस बार महतो जी फाइनल है। तारकिशोर प्रसाद से खुश थे आप? बोले थे, मिला जुला ठीक ही थे। काम किए हैं? हाँ कुछ तो काम किए हैं। क्या काम किए बता सकते हैं? काम किए हैं यही रोड नाला जैसा। रोड नाला। आप क्या नाम है? MD साहिल आलम। उम्र कितना हो रहा है? उम्र 18। इस बार वोट देंगे क्या? इस बार तो नहीं है, उस साल होगी जी। क्या आप लोग क्या लगता है किसको बनना चाहिए विधायक, क्या लगता है? अब देखिए, अब जिसका हम कैसे कह सकते हैं, तो अभी नया ही विधायक जो है तारकिशोर प्रसाद जी, उनके काम से खुश हैं आप? हाँ खुश तो है, और क्या बोलेंगे जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साहिल। और भी कई लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। कौन से विधानसभा से हैं? हाँ? किस विधानसभा से हैं? कटिहार विधानसभा से हैं। पता है विधायक जी कौन है? अभी कौन है अभी यहाँ पे? अभी ताकेश्वर है। ये कार्यकाल से खुश हैं आप? नहीं। कहा है? कहा है कि वो कभी काम ही नहीं किया है, पूरा नाली भारी सब पानी दलदल है। कटिहार का मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है कि पानी का निकास होना चाहिए। मुख्य समस्या में पानी ही आता है, और कोई समस्या है क्या? कौन जी, अब और कुछ नहीं सर। कटिहार में पानी के अलावा कोई और भी समस्या है क्या? और कोई समस्या है क्या, कि बिजली सही रहना चाहिए? बिजली रहता है अभी? हाँ रहता है, जाते हैं अभी। ठीक है, बिजली जाता आता है? पहले जिस तरह कटती थी बिजली, हाँ अभी कटती है क्या? हाँ अभी भी कटती है। नीतीश के कार्यकाल से खुश है? काम किए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार काम किए हैं। सरकार किसको देखना चाहते हैं? सरकार हम लोग जो है लालटेन को देखना चाहते हैं, लालू प्रसाद को। सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा कुमार तेजस्वी यादव या पप्पू यादव? तेजस्वी यादव होगा। तेजस्वी यादव? हाँ। तेजस्वी यादव क्यों, कोई और क्यों नहीं? हमारा दिल है, मत अपना है। पब्लिक बोलती आठवीं फैल है, वो क्या कहिएगा? हाँ पब्लिक बोलती आठवीं फैल है, वो कैसे कहा जाए? तो उसका माँ भी तो सातवीं था, तो वो कैसे प्रधान ये मुख्यमंत्री बना? चाहते हैं कि तेजस्वी बने। हाँ क्या नाम है? उस्मान। और भी कई लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। किसको देखना चाहते हैं विधायक? विधायक जी ऐसे कटिहार के लिए राम प्रकाश महतो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी नीतीश कुमार एकदम फिट है और यही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। कटिहार के विधायक राम सर मेरे जो है राम प्रकाश महतो जी, अभी तो उनका बहुत सहयोग रहा है। जब भी उनके घर पे हम लोग जाते 12 बजे रात में भी तो बहुत ताकेश्वर प्रसाद जी काम किए, लेकिन वो साल में एक ही बार आते हम लोग के एरिया में। हम लोग पानी से बहुत ज्यादा प्रभावित है।
समझे, काम नहीं, इस काम नहीं किए हैं हम लोग। वार्ड कमिश्नर है उसको 20 बार बोलो तो एक काम हुआ हुआ नहीं हुआ। हम 20 नंबर वार्ड से हैं। कौन है वार्ड कमिश्नर आपके? मेरे वार्ड कमिश्नर है अभी ये नौसाद कुरैशी है। क्या नाम बोले आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। और भी कई लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। चाचा इधर आइए, क्या नाम है चाचा आपका? सागर मंडल। किसको देखना चाहते हैं विधायक? फूल सा। हाँ फूल सा। विधायक किसको देखना चाहते हैं? जिसको होगा वो बल्लाज जी रहेगा। कृष्ण प्रसाद जी अभी विधायक हैं। हाँ। उनसे खुश हैं आप? हाँ। पूरा खुश है ना? हाँ। बहुत अच्छा काम किए हैं कि नहीं? हाँ। कटिहार के लिए अच्छा काम किए हैं। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। इनका कहना है तारकेश्वर प्रसाद जी ही विधायक के कार्यकाल में काम हुआ है कटिहार में। और भी कई लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? निश्चित कुमार झा। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? कटिहार 63 सदर। हाँ। विधायक किसको देखना चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव? क्योंकि अभी तक यहाँ के मोदी के अनुसार लोकल इज वोकल। अच्छा। तो उस कारण से चाह रहे हैं यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी संजय सिंह, तो उनके जीत के लिए हम चाह रहे हैं। वो लाल कोठी से खड़े हैं, वो निस्वार्थ एनजीओ 12 साल से एनजीओ चला रहे हैं, हिंदुस्तान विकास मोर्चा। हाँ, संजय सिंह उर्फ भाई संजीव सिंह। अच्छा। तो हम ओटी 12 से हैं, वो लाल कोठी से हैं। अच्छा। लेकिन हम युवा लोग चाहते हैं बदलाव हो। इसी तरह का मदद किए थे क्या आप? किसमें? लॉकडाउन था। हाँ हाँ। चंदा ले लेके, मैं खुद चंदा लेने वाला आदमी हूँ ऑनलाइन। हाँ समर्थक हूँ क्या? हाँ नहीं, समर्थक नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उनका एक ये है। बहुत सारे कैंडिडेट और आरजेडी से रामप्रकाश महतो हैं। क्या किए लॉकडाउन में? कुछ किए? बाहर में कुछ किए? कहाँ आए? और ये पब्लिक न्यूज के माध्यम से इनका हमेशा वीडियो, मैं आईटी सेल से हूँ। अच्छा। तो उनका वीडियो मैं हमेशा देख रहा हूँ, वो लगातार कर रहा है। और कहाँ कोई कर रहा है, बाहर से लेके निश्चित कुमार झा। ठीक है। और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनका कहना है कि संजय सिंह हिंदुस्तान विकास मोर्चा विधायक बने। खैर जो तो जनता की बात होगी, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किनको देखना चाहते हैं विधायक। और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए। कटिहार विधानसभा। क्या काम किए कटिहार में? काम किए, सबसे बड़ा समस्या जो है बिहार का बेरोजगारी का, उस पर कोई नेता बात ही नहीं करता है। जो समस्या जटिल है उसको कोई नहीं सुलझाता है। कटिहार की बात करें हम, समस्या क्या? समस्या यहाँ सबसे बड़ा जटिल समस्या है जो कभी कोई नेता सॉल्व ही नहीं किया, बेरोजगारी की समस्या। जो बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आज दिल्ली जो जा रहे हैं सब गाड़ी में बिहार से ही जा रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश का लोग महाराष्ट्र में खड़ रहे हैं। हम लोग तो यहाँ का जो विधायक है वर्तमान में शिक्षा राज्य मंत्री, उसी को देंगे। वर्तमान तो वो नहीं है अभी, जो है अभी वर्तमान में बात करें तो जी जी, क्या है तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, वो विधायक हैं जी। आप किसको देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं राम प्रकाश महतो। सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं? अब सीएम तो बड़ा लीडर बताएगा कौन होगा, बता सकते हैं आपको रुझान आपके कॉन्न क्या है? आप किसको देखना? सीएम, हम तो सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव। कौन सबसे अच्छा बिहार के लिए रहेगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कटिहार। हाँ, काम किया। क्या काम किया बता सकते हैं? काम क्या किया? महिलाओं को सशक्तिकरण दिए हैं और रोजगार भी बहुत थोड़ा बहुत दिए हैं, सड़क नाला शिक्षा, यही काम किया है सरकार। इनका कहना है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है बहुत ही अच्छा है। और उनसे भी और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए, पब्लिक का और भी कुछ बातें हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर वो किनको देखना चाहते हैं। आइए। हाँ, कटिहार जिला से। किसको देखना चाहते? विधायक जो अच्छा काम करेगा। कौन लगता है? क्या लगता है आप किसको देंगे? क्या लगता है? अब अपना मतदान हम कैसे बोल दे अभी, आपको जब मन बनेगा तो देंगे। जनता की क्या चाहती है? कटिहार की जनता चाहती है बदलाव चाहती है। अभी जो विधायक उनसे खुश नहीं है? उससे हम खुश नहीं है, विकास हम लोग का मोहल्ला में रोड वोड बना नहीं है। अच्छा। विधायक जी के पास जाने गए भी तो बोलता है कि आज बनेगा कल बनेगा, इतना एक महीना टाइम, दो महीना टाइम लेता है, मगर बना नहीं। अपने सहयोगी तबरेज खान के साथ मैं आमिर खान, के टी न्यूज़ कटिहार के लिए।